गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 10 ऑफ द सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट ऑफ क्लास 2. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द डेट एंड अंडरलाइन द हार्ड वर्ड्स विच आई हैव अंडरलाइन इन दिस चैप्टर. द नेम ऑफ द चैप्टर इज ईटिंग हेल्दी फूड, यानी स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना. आई लव टू ईट व्हाट माई मदर कुक्स, सेड सिड एज ही वॉज हैविंग लंच एट द लंच टाइम. द पोहा टूडे इज वेरी डिलीशियस. सिड जब लंच कर रहा था तो वो कहता है कि मेरी माँ जो कुछ भी पकाती हैं वो मुझे खाना बहुत पसंद है. आज पोहा बहुत ही स्वादिष्ट था. व्हाट हैव यू गॉट सुहानी, आज सिड. तो सिड पूछता है कि तुम आज क्या लाई हो. आई हैव ब्रॉट लेमोनेड एंड मूली पराठा, रिप्लाइड सुहानी. सुहानी कहती है कि मैं लेमोनेड और मूली का पराठा लाई हूँ. Why don't you try some paratha? She offered her food to her friends and they all enjoyed it. तो सुहानी जो रहती है वो अपने दोस्तों को अपना पराठा जो है शेयर करती है और वो सब उसे खा करके बहुत खुश होते हैं. Who has brought chips today? Asked Sid. तो सिड पूछता है कि आज चिप्स कौन लाया है. Three children have brought junk food like chips, biscuits and noodles. उसमें से तीन बच्चे जो रहते हैं वो जंक फूड लाए थे. जंक फूड क्या है, जैसे कि चिप्स, बिस्कुट और नूडल्स. हाउ डज़ योर मदर फाइंड टाइम कुकिंग टाइम टू कुक. माई मदर इज़ ऑलवेज वेरी बिजी सो शी गिव्स मी चिप्स, सेड वन ऑफ द चिल्ड्रन. तो उनमें से एक बच्चा जो रहता है वो कहता है कि तुम्हारी माँ को कैसे समय मिल जाता है खाना पकाने का. मेरी माँ तो बहुत व्यस्त रहती हैं इसलिए वो मुझे चिप्स और नूडल्स जैसे जंक फूड दे देती हैं खाने में. Your poha has many vegetables like carrot, beans and peas. I like your food. तो वो बच्चा बोलता है कि तुम्हारे पोहे में बहुत सारी सब्जियां हैं जैसे कि मूली, बीन्स और मटर, और मुझे तुम्हारा खाना पसंद है. But I love noodles, said another children. तो दूसरा बच्चा बोलता है लेकिन मुझे नूडल्स बहुत पसंद है. And I also love to eat biscuits. और वो कहता है मुझे बिस्किट खाना भी बहुत पसंद है. बट अवर टीचर ऑलवेज सेज़ दैट जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ. तो उनमें से एक बच्चा कहता है कि लेकिन हमारे टीचर जो हैं वो हमेशा कहते हैं कि जंक फूड हमारे लिए अच्छा नहीं है. सो वी शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ फूड. इसलिए हमें इस तरीके के भोजन को अवॉइड करना चाहिए. द चिल्ड्रेन हैड सून फिनिश्ड ईटिंग. बच्चे जल्दी ही अपना खाना ख़त्म कर लेते हैं. सून द बेल रंग एंड इट वॉज टाइम फॉर देयर ईवीएस क्लास. और जल्द ही घंटी भी बज जाती है और अब ईवीएस की क्लास का टर्न था. टीचर सेड चिल्ड्रन विच फूड इज़ हेल्दी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और पकोड़ा सोल्ड ऑन स्ट्रीट. तो टीचर आती हैं और पूछते हैं कि बच्चों बताओ कौन सा खाना हेल्दी है, फल और सब्जियां या फिर गलियों में बिकने वाले पकोड़े. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रिप्लाइड द चिल्ड्रन. दे आर हेल्दी बिकॉज देयर फूड वैल्यूज, रिप्लाइड द क्लास. तो फिर बच्चे बोलते हैं कि फल और सब्जियां जो हैं वो ज़्यादा हेल्दी हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं. पूरा क्लास रिप्लाई करता है. व्हेन देयर टीचर आस्क्ड व्हाई, तो उनके टीचर जो पूछते हैं ऐसा क्यों है. द टीचर वॉज वेरी हैप्पी विद द आंसर एंड स्माइल्ड एट देम, बट वी मस्ट वॉश देम वेल बिफोर ईटिंग. जब उनके टीचर पूछते हैं कि ऐसा क्यों है तो बच्चों ने जवाब दिया था कि क्योंकि इनमें बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक गुण पाए जाते हैं. तो टीचर इस उत्तर को सुनकर के बहुत ही खुश होते हैं और वो स्माइल करते हैं. और उसके बाद टीचर बोलती हैं कि हाँ वो स्वास्थ्यवर्धक है लेकिन हमें इन्हें खाने से पहले एक बार बहुत ही अच्छे से धोना चाहिए. वाई इज़ पकौड़ा नॉट हेल्दी, आज सुहानी. तो सुहानी पूछती है कि पकौड़े हेल्दी क्यों नहीं है. इट इज़ फ्राइड एंड ऑयली, ईटिंग टू मिनी पकौड़ाज इज़ नॉट गुड, रिप्लाइड द टीचर. तो टीचर उत्तर देती हैं कि एक तो वो तेल में फ्राई किया जाता है और ऊपर से इतना ऑयली खाना खाना हमारे लिए अच्छा नहीं है. स्ट्रीट फूड कैन मेक यू सिक, फूड कुक्ड एट होम इज़ ऑलवेज हेल्दी एंड सेफ. आगे टीचर बोलती हैं कि जो गलियों में बिकने वाले खाने हैं वो हमें बीमार कर सकते हैं और जो हमारे घर में खाने पकते हैं वो स्वास्थ्यवर्धक और सुरक्षित होते हैं. सो दिस वॉज अ चैप्टर. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर. टिक द करेक्ट आंसर. नंबर वन, सुहानी हैज ब्रॉट, शी ब्रॉट लेमोनेड एंड मूली पराठा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ जंक फूड. आंसर इज चपाती. सिड ब्रॉट डैश, ही ब्रॉट पोहा. जंक फूड इज़ डैश फॉर हेल्थ, इट इज़ बैड फॉर हेल्थ.
So these were the exercises. Question answers you will get into your homework. That's all for today. Thank you so much.